पहली ये फिल्म की सफलता ने इस एक्ट्रेस को रातों रात मशहूर कर दिया था। फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई थी और इसने कमाई के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। लेकिन अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाली इस एक्ट्रेस की लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही। उनका तेजी से बढ़ता करियर धराशायी हो गया। उनकी माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें अपने घर का सामान बेच बेच कर गुजारा करना पड़ रहा था। आज भी वो एक एक पैसे की मोहताज हैं। मैं बात कर रही हूँ 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर विजेता पंडित की, जिनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी और इस फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया। उस दौर में हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तेजी से बढ़ता उनका करियर धराशायी हो गया। गाते हुए सपने खामोश हो गए। दो दो शादियों के बाद भी वह अकेले जीवन जीने को विवश हो गई और दाने दाने को मोहताज हो गई। यह जानने के लिए और उनके जीवन से जुड़ी कुछ जानी अनजानी बातों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री और प्लेबैक सिंगर विजेता पंडित का जन्म 25 अगस्त 1967 को हुआ था। आपको बता दें कि विजेता म्यूजिक कंपोजर जतिन ललित और सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित की बहन है। उनके पिता नरेंद्र पंडित भी एक जाने माने संगीतकार हुआ करते थे। विजेता पंडित के परिवार वाले संगीत और फिल्मों से जुड़े हुए थे और यही कारण है कि इन्होंने भी फिल्मों में अपनी करियर बनाने की ठान ली। उन्होंने साल 1981 में आई सुपर ड्यूपर हिट फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म ने अपने समय के लेजेंडरी स्टार कहे जाने वाले राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव ने भी डेब्यू किया था। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार थे और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राहुल रवैल ने। राजेंद्र कुमार ने इस फिल्म को अपने बेटे कुमार गौरव को लॉन्च करने के लिए ही बनाई थी। फिल्म में दोनों की जोड़ी के साथ साथ उनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। शाम जवां है, तू कहां है? आई, 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 आई। इसने कमाई के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। पहली ही फिल्म की सफलता ने विजेता पंडित और कुमार गौरव को रातों रात मशहूर कर दिया। देखो मैंने देखा है ये सपना, फूलों के शहर मेरे घर। फिल्म लव स्टोरी की शूटिंग के दौरान विजेता पंडित और कुमार गौरव एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और वो एक दूसरे को डेट करने लगे। कुमार गौरव के साथ समय बिताने के लिए विजेता ने अच्छी फिल्मों के ऑफर भी ठुकरा दिए थे। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र कुमार को अपने बेटे का विजेता के साथ रिश्ता पसंद नहीं था, जिसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। वहीं विजेता पंडित से ब्रेकअप के कुछ समय बाद 1984 में कुमार गौरव की शादी सुनील दत्त की बेटी नम्रता से हो गई। वहीं दूसरी ओर ब्रेकअप के गम में 4 सालों तक विजेता पंडित फिल्मों से दूर रही, लेकिन जब विजेता ने इंडस्ट्री में कमबैक का सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विजेता ने 1985 में बनी फिल्म मोहब्बत और मिसाल से बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो वो चाहती थी। विजेता का करियर अभी शुरू ही हुआ था कि उन्होंने 1986 में फिल्म डायरेक्टर समीर मलकान से शादी कर ली, लेकिन यह शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी और जल्द ही दोनों ने तलाक ले लिया। इस दौरान विजेता ने जीते हैं शान से दीवाना तेरे नाम का जलजला जैसे कुछ फिल्में की। उसके बाद फिल्मों में शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाली विजेता ने जल्द ही अभिनय से दूरी बना ली। बता दें कि विजेता पंडित ने अपने करियर में 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इस दौरान विजेता की जिंदगी में सिंगर और म्यूजिक कंपोजर आदेश श्रीवास्तव की एंट्री हुई। विजेता और आदेश ने साल 1990 में शादी कर ली। विजेता और आदेश के 2 बेटे अवितेश और अनिवेश हुए। अपनी दूसरी शादी के बाद ही विजेता ने एक्टिंग करना छोड़ दिया और सिंगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। बहुत कम लोगों को पता है कि विजेता अपनी बड़ी बहन सुलक्षणा पंडित की तरह ही गायिका भी थी। आदेश ने विजेता का एक पॉप एल्बम निकाला।
इस एल्बम का नाम था प्यार का इजहार। पॉप सिंगिंग में ये विजेता का डेब्यू था। इसके बाद विजेता ने कई फिल्मों में गाने गाए, जिसमें फिल्म जो जीता वही सिकंदर का अरे यारो मेरे प्यारो, कभी हाँ कभी ना का क्यों ना हम मिलके प्यार, देव का जब नहीं आए थे जैसे गाने शामिल हैं। लेकिन गाते हुए वह अचानक खामोश हो गईं। उनके पति आदेश श्रीवास्तव की कैंसर के कारण साल 2015 में निधन हो गया। उसके बाद उनकी दूसरी बहन संध्या सिंह के लापता होने की खबर आई। उसके बाद उनकी हत्या की खबर आई, जिसके बाद विजेता टूट सी गई। आदेश के निधन के बाद विजेता की जिंदगी परेशानियों से भर गई। पति की मौत के बाद से ही विजेता की माली हालत भी बिगड़ती चली गई। उनके ऊपर दोनों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी थी। आर्थिक तंगी ने इन्हें चारों तरफ से इस कदर घेरा कि पहले उन्हें अपनी कार बेचनी पड़ी, उसके बाद वो अपने घर का सामान बेचकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हैं। लेकिन उन्होंने मदद के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उनके पास जो है उसी में गुजारा कर रही हैं। हिंदी सिनेमा की अपनी पहली ही फिल्म की सुपरहिट हीरोइन मानी जाने वाली विजेता आज गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। विजेता पंडित के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो आप इस बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेके हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।